Hello everyone, this is Mansi. Welcome back to my channel. If you are new to this channel, make sure to subscribe the channel. Now, agar aap mujhe last video se follow karte aa rahe ho, so you know ki ab hum chapter 5 ke page 77 pe pahunch gaye hain. So page 77 ka hamara topic hai. Also I'll insert a page, half a turn. So स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हाफ अ टर्न होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, ठीक है, इस तरह से आपको बुक दिख रही है. अगर इसको हाफ टर्न करना है सो दैट मीन्स आई विल टर्न इट लाइक दिस, ठीक है, इसको ऐसे या इस तरह से, मतलब उल्टा कर देना. हाफ अ टर्न मीन्स उल्टा कर देना, क्योंकि फुल टर्न क्या हो जाएगा, वापस. जैसे अब ये है, इसको फुल टर्न मतलब घुमा के वापस इसी तरह ले आए, बट हाफ अ टर्न मीन्स आधा टर्न करना, ठीक है, चाहे इस डायरेक्शन में करो चाहे इस डायरेक्शन में करो, ठीक है. तो हाफ अ टर्न समझ में आ गया. अब हम रीड करते हैं कि हमारे पास जो स्टोरी दे रखी है उसमें क्या है. सो आप यहाँ पे पेज जो इंसर्ट किया है वहां पे देख सकते हो, अदरवाइज अगर आपके पास अपनी बुक्स हैं तो बहुत बढ़िया है. सो नाउ द स्टोरी सेज, once there was a king, he was upset because thieves kept stealing costly jewels from his locker. Here is what the locker looked like. So ek bar ek king bahut worried tha kyunki uske locker mein se chori hoti rehti thi aur uske locker ki yahan pe इमेज दे रखी है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ. इस तरह से एक सर्कल है, ठीक है, और बीच में एक सर्कल दे देते हैं, ये लाइक दिस, देन वी हैव इट लाइक दिस एंड लाइक दिस. अब ये कलर येलो है, ये भी कलर येलो है, दिस इज ऑरेंज, दिस इज ऑरेंज. अब हो क्या रहा है, द लॉकर कुड बी ओपन बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ अ टर्न. अब इस लॉकर को खोल कैसे सकते हैं, इसका हैंडल पकड़ के आधा घुमा दो. अब जब हम इसको आधा घुमा देंगे, हाफ टर्न देंगे, तब भी क्या होगा, ये ऊपर वाला येलो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला येलो ऊपर चला जाएगा. मतलब सिंपली अपनी बुक को आप ऐसे का उल्टा करके देख लो. सो वॉट यू विल नोटिस इज कि ये लॉक्ड होने पे भी सेम यही पैटर्न दिख रहा है और जब ओपन है तब भी यही पैटर्न दिखता है. तो इसी वजह से जो किंग है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, तो वो कभी कभी इसको लॉक करना भूल जाते हैं क्योंकि देखने में लगता है लॉक्ड है बट वो ओपन है. नीचे इमेज में भी आप देख सकते हो, ओपन वाला पैटर्न भी और लॉक्ड वाला भी, और दोनों सेम पैटर्न है ना. सो नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू है, पेज 78 पे आ जाते हैं. अब जो उसकी डॉटर होती है वो बहुत क्लेवर होती है. सो वो क्या करती है, यहां पे लेट मी रिमूव दिस, यहां पे एक डॉट लगा देती है इस तरह से. अब क्या होगा, अब जब मैं इसको हाफ अ टर्न दूंगी तो व्हाट विल हैपन इज ये सब तो एग्जैक्ट सेम रहेगा लेकिन एक चेंज आएगा. वो क्या कि यहां पे जो उसने ऊपर डॉट किया है, जब उसको हाफ अ टर्न देंगे तो वो डॉट नीचे आ जाएगा. उससे उसको पता चल जाएगा, आप अगेन इमेज में देख सकते हो, ओपन होगा तो डॉट ऊपर है, क्लोज होगा तो डॉट नीचे आ गया. तो अब किंग को हमेशा पता रहेगा. अब नीचे आप देख सकते हो कह रहे हैं कि इसी किंग के पास और भी अलग अलग लॉकर्स हैं जिनके कुछ पैटर्न्स गिवन है. पहली बात तो समझ नहीं आता है किंग ने क्या सोच के इस तरह के लॉकर बनवाए जो ओपन में भी सेम दिखते हैं क्लोज में भी सेम दिखते हैं. तो क्या आप अब इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि देखो अगेन सारे पैटर्न्स हमारे ऐसे हैं कि उनको आप बुक को सिंपल है यार, ये तो आपको जब भी हाफ पैटर्न वाला हो ना ये आपकी बुक के पेज में दिख रहा है, अपनी बुक को इस तरह से उल्टा कर लो तो यू विल नोटिस के पैटर्न सब भी सेम दिख रहे हैं. तो सिंपली क्या कर सकते हैं हम, जैसे उसकी क्लेवर डॉटर ने किया हर डिजाइन पे, हम भी जैसे जहां पे ये सर्कल के अंदर इस तरह से एक प्लस का साइन है तो यहां डॉट लगा दिया, नेक्स्ट में एक स्टार है तो उसका जो टॉप स्टार है वहां डॉट लगा दो, ठीक है, इसी तरह से जो भी पैटर्न है डॉट लगा दो ताकि जब हम उल्टा करें तो वो डॉट नीचे आ जाए, जिससे उसको पता चल जाएगा कि ओपन है या क्लोज. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सम आफ्टर हाफ टर्न्स. तो अब हमें यहाँ पे कुछ शेप्स दे रखी है, एट द एंड ऑफ द पेज यू कैन सी अलग अलग हमें शेप्स दे रखी है और हमसे पूछा है कि इसको हाफ टर्न करने के बाद कौन कौन सी शेप सेम रहेगी. तो इसका बेस्ट वे जो है, लेट मी शो यू, लेट मी टेक अ पीस ऑफ पेपर, यहाँ पे हम डिफरेंट शेप्स बना के देखते हैं. सो अभी के लिए लेट मी रिमूव दिस पेज. नाउ हियर सबसे पहले हमारे पास है एक स्क्वायर, ठीक है, अब इस स्क्वायर को मैं यहाँ पे इमेजेस भी सारी इंसर्ट कर दूंगी, बुक की इमेज ही मैं डाल देती हूँ यहाँ पे, इस तरह से स्क्वायर है. अब अगर हम इसको हाफ अ टर्न देंगे, हाफ अ टर्न मीन्स दिस, राइट, सो नाउ व्हाट यू विल सी इज कि अभी भी ये स्क्वायर एज इट इज है, तो दैट मीन्स फर्स्ट वाले की तो शेप चेंज नहीं हुई. सेकेंड हमारे पास रेक्टेंगल है,
लाइक दिस, ठीक है. अगेन इसको भी उल्टा करके देख लो, सेम रेक्टेंगल ही दिखेगा. सो दैट मीन्स सेकेंड की भी शेप चेंज नहीं हुई. देन वी हैव अ सर्कल, सर्कल को उल्टा कर दो तब भी सर्कल ही दिखेगा, है ना. नेक्स्ट है हमारे पास अगेन अ रेक्टेंगल. सो इस तरह से फिर से एक रेक्टेंगल आ गया. अगेन उल्टा करके देख लो, अभी भी वो रेक्टेंगल ही मिलेगा. मतलब अभी तक जितनी शेप्स है रेक्टेंगल तक, सारी हमारे पास हाफ टर्न देने के बाद भी एज इट इज. आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं सबकी जो उसका हाफ टर्न है वो देने के बाद भी इमेज इंसर्ट कर रही हूँ. नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल. सो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बनाया लाइक दिस. अब अगर मैं इसको हाफ अ टर्न देखती हूँ, नाउ व्हाट यू विल नोटिस इज कि ट्राइंगल की शेप चेंज हो गई. टर्न से पहले शेप ऐसे थी, नाउ जब मैं इसको टर्न दे दूंगी तो ये इस तरह से हो गया. तो दैट मीन्स ट्राइंगल को जब हमने हाफ अ टर्न दिया तो उसकी शेप चेंज हो गई. तो ट्राइंगल पे क्रॉस लगा लो. नेक्स्ट शेप हमारे पास है 1 2 3 4 5 6. तो हमारे पास एक हेक्सागन गिवन है लाइक दिस, 2 3 4 5 6. तो अगेन इसको भी टर्न कर लो, सेम शेप है. सो मीन्स ये भी सेम रहेगा. नेक्स्ट एक पेंटागन है. सो उसके लिए लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से आई थिंक शेप, राइट. सो इसको अगर मैं देखूं टर्न करके, सो ना ओके ओके. सो ओके, इसकी शेप ये ऐसे नहीं है, थोड़ा सा ये पेंटागन इस तरह से, यहाँ पे भी ऐसे और नीचे से ऐसे, है ना. तो ये है हमारी एक्चुअल शेप. ये दिस इज नॉट द राइट शेप. ये है हमारी एक्चुअल शेप. अगेन इसको टर्न कर देती हूँ. आई विल इंसर्ट अ इमेज हियर. सो नाउ व्हाट यू विल नोटिस इज कि ये कैसा हो जाएगा, इस तरह से जाके इस तरह से हो गया, है ना. सो ऊपर जो हमें ट्रायंगुलर सा ऐसा मिल रहा था वो अब ऑपोजिट हो गया लाइक दिस. सो दैट मींस कि ये वाली भी जो शेप है ये भी हाफ टर्न के बाद सेम नहीं है. सो इस पे भी हम क्रॉस लगा देंगे. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ये तो सारी बुक में प्रिंटेड है, तो सिंपली बुक को अपना आप ऐसे उल्टा करके देख सकते हो. उल्टा मींस इस तरह से, अगर आपकी बुक है तो उसको ऐसे करके शेप्स देख सकते हो. आपको एक ही बारी में पता चल जाएगा कौन सी शेप सेम है और कौन सी नहीं. अदरवाइज पेज पे बना के उसको टर्न करने वाला ऑप्शन बेस्ट है. सो यहाँ पे हमने पेज 77 और 78 कवर कर लिया है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज, बट अगेन यू हैव टू वॉच अ न्यू वीडियो फॉर दैट, जिसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. सो डू फॉलो दैट लिंक एंड मीट मी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय फॉर नाउ.